आप बताइए, आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा? हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। एनडीए गठबंधन दल के द्वारा राष्ट्रपति पद की दी गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अपने ही बयानों में वो खुद फंस गए। इसकी तो उम्मीद तेजस्वी यादव ने भी नहीं की होगी कि इतना ज़्यादा विवाद हो जाएगा और सबसे ज़्यादा फजीहत उन्हीं के परिवार की होने लगेगी। लेकिन अब जबकि फजीहत करा चुके हैं तेजस्वी यादव, तो अब अपने बयान से पलट भी रहे हैं और ऐसा पलटी मारा कि ऐसा तो आए दिन अन्य नेताओं के द्वारा देखा गया लेकिन इस लालू के लाल के द्वारा कभी नहीं देखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। लालू के लाल और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक कमाल किया और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बयान दे दिया। उस बयान के बाद तेजस्वी यादव और उनके परिवार की इतनी फिचाई हुई कि उसके बाद उन्हें अपने बयान से पलटी मारना पड़ गया। हालांकि इससे पहले कभी भी तेजस्वी यादव को इस रूप में नहीं देखा गया है, कभी भी वो अपने बयानों से नहीं बदले हैं, या तो अपने बयानों के बदले में माफ़ी मांग लिया है या अपने बयानों को कोट करते हुए उसका मायने समझाया है, मतलब सफाईनामा दिया है, या फिर अपने ही बयानों पर अडिग रह गए हैं। लेकिन इस बार का मामला इतना पेचीदा हो गया कि वो अपने ही बयानों से तुरंत पलटी मार गए और अपने ऊपर ना जिम्मेदारी लेकर पत्रकारों के ऊपर थोप दिए। मामला था द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिया गया बयान। दरअसल तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के उन्हें मूर्ति बता दिया था कि हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो राष्ट्रपति के हकदार हो, न कि हमें राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति बैठाना है, मतलब वो दूसरे के इशारे पर काम करे, अपना उनका कोई भी सोच समझ नहीं है, अपनी वो उनकी साक्षरता नहीं है, अपना उनका सद्बुद्धि नहीं है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर के बीजेपी नेता लगातार हमलावर हो गए और अब राबड़ी देवी को भी इसमें खींच लिया गया। राबड़ी देवी को इसमें जैसे ही खींचा गया, आरजेडी बैकफुट पर हो गई और तेजस्वी यादव अपने बयानों से पलट गए। देखिए, पहले हम आपको बयान सुनवाएंगे कि आखिरकार उन्होंने पहले क्या कुछ कहा था और अब क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव के इन बयानों को। हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा? हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। जो सवाल पूछता है उसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन राजनीति में तो बवाल मचाना है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या करना चाहते हैं? जसवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार के नेता नीतीश, हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए ना जी, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, समझ रहे? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना हो। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव कितने इन दिनों उलझन में हैं। हालांकि इनकी उलझन की कोई सीमा नहीं है। तेजस्वी यादव पहली दफ़ा ऐसा है कि इस प्रकार के बयान देने के बाद अपने बयानों को नकार दिए हैं कि इससे पहले कभी भी तेजस्वी यादव को ऐसा करते नहीं देखा गया है, इसलिए तेजस्वी यादव की और ज़्यादा फजीहत होने लगी है। तेजस्वी यादव की अपने इस बयान की बदौलत क्या कुछ हासिल होगा वो तो हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जितनी बदनामी हुई वो अब जग जाहिर है। जो कुछ भी इससे जुड़ी बड़ी खबर हमारे सामने आएगी वो भी लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।